इकबाल कहंदा चूशवत अंदेशा है कौम खराब नासरा गर्दत बदस्त सीमनाब। इकबाल कहंदा जिस वेले कौम दी फिक्र सोचा गंदियां हो जान ना उन्हां दे हाथ च सोना भी पकड़ाओ तो मिट्टी हो जाता। मीरत अंदर सीना अशकल्बे सलीम हाँ दर निगाह है ऊ कज आयत मुस्तकीम। इकबाल कहंदा जिस वेले कौम दी फिक्र सोचा हो जान गंदियां ते हर वेले पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा पैसा। इत्थे मैं गल कर जावां हाँ जी हजरत उबैदुल्ला बिन सलमान रजी अल्लाह तआला नु साहबी रसूल है कहते हैं मा फतहना खैबर जब खैबर फतह हो गया और फजाल अन्नास यतबायउना गनायमहुम और सहाबा आपस में जड़ा माल गनीमत ऐसा है एक दूसरे नाल खरीदो फरोख्त शुरू कर दीती। जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई ना तो एक सहाबी आए अर्ज़ की थी हजूर लकद रबिह तो रिबहन मा रबिहल यौम मिसलु अहदुन मिन हाज़ल वादी। अर्ज़ की थी हजूर हजूर नमाज पढ़ा के बैठे एक सहाबी आ गए उन्हें भी आके गल इसे वास्ते दसी ताकि दुनिया को पता चले कि हजूर की फरमा दे। अर्ज़ की थी हजूर आज इस वादी विचों मेरे तो ज्यादा किसे नफा नहीं कमाया मैं इतना आज खरीदो फरोख्त करके पैसे कमाए। फरमाया वैहा का मार बेहता फरमाया अल्लाह दिया बंदिया की तू एडी गल कर रहा बैठा तू आके नाज कर रहा मैं इतने पैसे आज कमा लिया तू की कमाया। फकाल जिल तो अभी वपताओ हत्ता रबिह तो सलासत औ की अतिन हाँ जी सलास औ की अतिन हजूर मैं 300 औकिया सोना आज कमा लिया इतना मुझे मैं सोना आज कमा लिया खरीदो फो अज द दिन हजूर ने फरमाया मैं तेन ये वडन तेरे नाल वडन नफे वाला बंदा ना दसा तेन सुनो जी जे फर्ज नमाजा भी नहीं पढ़ते हो जरा सुनो पैसे कमा के खुश होंगे रात गिण के सौंदे हो तो तुम पता नहीं 3-5 नमाजा किधर गई हजूर ने क्या फरमाया। वो साहबी ने आकर ये नहीं कि साहबी को मान था साहबी ये चाहते थे आज मैं बात हुजूर से कर जाऊं जी ताकि क्यामत तक जड़ा कोई पैसे का मान करे फिर हुजूर की फरमा दे। फरमाया मैं तेनू तेरे नालों भी ज्यादा नफे वाला बंदा ना दसा। अर्ज की हुजूर वो केड़ा है फरमाया रक आता है इबादत सलात फरमाया फर्ज नमाज पढ़न तो बाद जड़ा दो नफल पढ़ता वो तेरे नालों ज्यादा नफा कमांदा। हुण समझ आई गल इस्लाम की ये सानू किधर ले जाना चाहते हैं 24 घंटे मुल्क ये हो जाएगा मुल्क को कुछ भी नहीं होगा और मुल्क के साड़ा अंग्रेज कह भी देवे असी दहशतगर्द हाँ असी अंग्रेज के कहण का सानू केड़ा डर है सानू तो डर एवे कि किधर अल्लाह रसूल ना नाराज हो जा और पूरी कौम नु तुसा बेज़मीर बना छड़िया हर वाजी अंग्रेज ये कहता है अंग्रेज ये कहता है हम इसलिए मौलवियों को ये कहते हैं थोड़ा सा हल्का काम करो हुजूर की फिर दसो फिर केड़ा दीन रह गया जे हुजूर दे बारे गल होवे। हाँ जी हारून रशीद पूछे तो मस्जिद नबी शरीफ च पूछे तो होवे वक्त हुक्मरान ऐसे तो मौलवियां सदे बगैर जाके हुक्मराना के दरवाजे से तवाफ कर दे मौलवी और तो उत्थे जाके उन्होंने अपनी तकरीर मैं सुना दे और उत्थे जाके उन्होंने कोई अवार्ड लै दे। अगर कोई आलिम वेखना होवे हुजूर दी उम्मत का कोई आलिम वेखना होवे तो इमाम मालिक वेखो इमाम आजम अबू हनीफा वेखो इमाम शाफी वेखो इमाम अहमद बिन हम्बल वेखो मुजद्दद अल-फिसानी वेखो आला हजरत बरेलवी वेखो ना तो आनू कोई समझ आती ना तो सब कुछ पढ़ी ना तो आनू साड़ियां गल्लां समझ आदि हो जी फलाना मौलवी है कर मौलवी ये है जान जी हारून रशीद मस्जिद नबी शरीफ पूछा उन्हें क्या हजूर के खिलाफ गल हो तो फिर उम्मत की करे और कोई मौलवी होता तो उन्हें क्या कर जो उन्होंने को कर्जा लेना हो तो फिर ऐंग कर लेना जी जो उन्होंने गंद खाना हो तो फिर ऐग कर लेना उन्होंने ऐ बकवास करन तो फिर चुप कर जाना क्योंकि अमन और सलामती और जान की हिफाजत बड़ी जरूरी है। आला हजरत फरमाते हैं सारे फर्ज अपनी जाइयन हजूर की जड़ी गुलामी सब तो वड्डा फर्ज है ये तो अज तक मेरी चिट्टी दाढ़ी हो गई शायद मरदे दम तक भी मैं यदि वजाहत न करा कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है जी यदि वजाहत मैं मरदे दम तक भी शायद न करा हो सकता कबर विच जाके जदों होवे तो फिर जरा रुक जाओ हुणे आ जांदे ये तो इतने आला हजरत बरेलवी उत्थे जाके एवें नहीं क्या परवाज में मिदहत शाह जब मैं आऊं तारश पर फिक्रे रसा से जाऊं मजमून की बंदश तो मुयसर है रजा और काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं आबे दुरे दंदा से अदन डूब गया लश्के लबे लाली से यमन डूब गया। एवें नहीं आला हजरत मैं यदि वजाहत की कदे नहीं जी
यही गल सी सिद्दीक अकबर आखिरी अयाम में हुजूर जाहिर दुनिया तशरीफ ले जा रहे हैं, आखिरी अयाम में सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर दर अकदस इधर आज भी जाके जड़े ज्यारत कर दें, उन्होंने पता है कि हुजूर दर अकदस इधर और मस्जिद नबी शरीफ उथे एंजे ए जनूब बनता है, ए जनूब की तरफ उधर किबला शरीफ है। तो हुजूर ने जो अपना परदा हटाया खिड़की का तो सारे सहाबा हुजूर ने वेखन लग पे, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है। हाँ, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है। पढ़ाने वाले कौन? सिद्दीक अकबर। तो पीछे कौन खड़े? हजरत उमर। आखिरी अय्याम है ना, तो अब तो 1,24,000 हैं जी, सारे वहां नहीं थे लेकिन हजारों तो थे ना। क्यों जी? पीछे उस्मान गनी, फिर हैदर करार, फिर साद इब्न अबी वकास, फिर अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सईद बिन जैद। क्यों जी? ये सारे शेर हजरत बिलाल थे, फिर तकबीर पढ़ने वाले। क्यों जी? ये सारे पीछे खड़े थे, जदों हुजूर ने पर्दा हटाया तो सारे वेखन लग पे। इहदी मैं अगली वजाहत नहीं करता, तो मैं हुजूर की उम्मत को बर्बाद करना चाहते हो? हुजूर के मुबारक जुल्फ का जो एक बाल है ना, एक बाल, सारी आपकी जुल्फे मुबारक नहीं, एक बाल जो है ना, दुनिया व माफिया हुजूर की जुल्फ के एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ आपकी जुल्फ का एक बाल। हाँ, हुजूर की शान तो वराउल वरा है ना। हाँ जी, हुजूर की जुल्फ का सुन लो इधर भी और पूरी दुनिया भी सुन ले। तुम हुजूर के बारे में मुदानत करना चाहते हो? आले में मदीना ने क्या बात की? हारून रशीद से बात की। ये होते हैं मौलवी और ये होते हैं हुक्मरान। जिमें हजरत उमर ने फरमाया सी ना उमैर बिन वाहब नू, जद हुजूर वाल तलवार लैके आया तो जदों आया तो हजरत उमर फरमाया इस कुत्ते नू नपो। आज लोग हमें कहते हैं जी आपने ये क्या बात कर दी। क्यों जी? मसलू का मसल कल्ब। जो जनाब मूसा के बारे में, कौन था? बलम बिन बाउर मुस्तजाबुद्दावाद सूफी। जब जनाब मूसा के बारे में बात कर गया तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में किस सूरत आराफ है? क्यों जी? फरमाया मसलू का मसल कल्ब इन तहमिलो यल हस औ तत्रको यल हस। मेरे हबीब, उस बलम बिन माउर की बात जिसको हमने इतना मकाम वाला शेना अला रफाना हो, हमने तो चाहा था इसको और ऊपर ले जाए, वलाकिन अखलदा इलल अर्द, लेकिन वो जालिम तो जमीन पकड़ गया नबी की मुखालफत करके। तुम क्या कहते हो कि हुजूर की इज्जत पर पैरा न देकर पाकिस्तान ऊपर जाएगा? तुम भी सुन लो, पूरी दुनिया सुन ले, ऊपर एक ही सूरत में बंदा जा सकता है कि मोहम्मद से वफा तू ने। हाँ, एक ही ऊपर जाने की सूरत है कि मोहम्मद से, बस एक ही सूरत है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? आपने जी कुत्ता कह दिया, मैंने कहा मुस्तजाबुद्दावाद था। हाँ जी, उसकी तो मैं यहां गल बात नहीं ना करना चाहता, ये तो कुरान है। क्यों जी? मौलाना सब कुछ वेखी, किसी ने सब कुछ वेखी, सब अपना लिबास ला के तो निकल जाता, तो अल्लाह ने फरमाया फंसल हमेना। हाँ, वो दीन का लिबास उतार कर निकल गया था। अल्लाह, जब दीन का लिबास उतर जाए ना तो फिर मकाम मूसा भी नहीं समझ आता। फंसलख में फातबा उस शैतान, अल्लाह ने फरमाया उसके पीछे तो शैतान लग गया। और ये मेरी बात याद रखना, जो भी हुजूर के बारे में कभी भी कोई बैठकर बात करे, कभी भी कोई सोचे, ये तो मैं इबारत अभी मैं पढ़ू ना तो शायद पूरी मस्जिद जो है वो जबई हो जाए। जो इमाम अलामा हाशिम ठठवी ने लिखी है इबारत हुजूर की इज्जत आबरू के बारे में। हाँ जी, अभी तो हमने कभी बात भी नहीं की तो तुम इतनी तकलीफ हो गई। अब जब हुजूर के, तुम्हें तो सिर्फ तकरीर हजम नहीं होती तो हुजूर का दीन तख्त पर कैसे हजम होगा? हाँ जी, तुम क्या समझते हो कि दीन ये लोग आने देंगे? कभी कभी भी नहीं आने देंगे। हाँ जी, और तुम्हारी ये मुदानत, और तुम जिदा जिन्हें लाया गली उदे नाल तुसी टुर चली। हाँ जी, तुसा जो कुछ हरकतें कीतिया ने इहदा जवाब हुजूर के सामने एक दिन देना पैना। हाँ हाँ, एक कबर भी देना ते अशर वाले दिन भी देना। हाँ जी, ये हुजूर दे सामने आखिरी रब ने रखे ही सवाल अपने हबीब का। तुसी की समझते हो कि असा हुजूर दे दीन दे बारे गल नहीं करनी? जिवें तुसी चाहते हो गल उंज होएगी जिवें इमाम मालिक चाहते हैं। इमाम मालिक उंज गल की जिवें अल्लाह रसूल चाहते। पूछा हारून रशीद, क्यों जी?
एक है जो फलाना जी वो एक आदमी टीवी पर ये कह रहा था, वो क्लिप उसका ये आया, वो फलां इलाके का रहने वाला। मैंने कहा जलिया कदी तू सोची नहीं है गल कि सिद्दीक अकबर तो लैके आला हजरत बरेलवी तक के दीन किसी नु नहीं समझ आया। चांद दर दे लोग जो ना तुम उन्होंने क्लिप सुन के सानू आके कहते हो जी फलां ये कह रहा था। मैंने कहा कोई भी नहीं कह रहा था, तेरे अपने जहन की गिलाजत है, तेरा जहन इतना गंदा है कि तू हर एक की बात सुन लेता है। वहां तो तलवार सर पर हो। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा तू देना गवाही कि मैं अल्लाह तआला फरमा की भौंकी जा रहा, जिसम टुकड़े हो रहा है, फिर आप फरमाते की भौंकी जा रहा, रसूल तो रसूलुल्लाह है। सामने आग जल रही हो अबू मुस्लिम खौलानी के, और वो क्यों जी वो कहे अब मैं कौन, तू कौन है, रसूल तो रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने आपके कान इसलिए बनाए हैं कि आप हर एक की बात सुन लेते हैं, उसकी बात सुने जिसकी बात सुनने के बाद आपके इश्क रसूल में जोश आ जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं इश्क आ जाए अपनी आली च, इश्क आ जाए अपनी आली। हूं तो पता नहीं तुम्हें ये गल समझ आती है तो अटकता, बड़ा फसीह लफ्ज है, इश्क आ जाए अपनी आली च जी। तो फरमाते हैं फिर समुंदर भी इंज खौला देंदा जिवे देग खौलदी। हाँ इश्क जोहियत बार राह मानिंदे देग, और इश्क सायद को राह मानिंदे रेग। मौलाना रूम फरमाते हैं इश्क आ जाए अपनी आली च, इश्क आ जाए बेकाबू। क्यों जी? तो फरमाते हैं फिर पहाड़ इंज पीस देंदा जिवे रेत पीसी जाता है। गल बस इतनी बात, अपने आप नूं बदलो। की पूछा जी उन्हें, की पूछा इमाम मालिक को, उनका हजूर के खिलाफ कोई गल करे, पूछा हारून रशीद है, आपने फरमाया गल करे फिर हजूर की उम्मत बदला न ले सके, तो मां बका उम्मत बाद शत में नबी या, फिर पूरी उम्मत मर जाए उसको जिंदा रहने का भी हक कोई नहीं। किसका फतवा है? जिंदा आज तकबील खाके तैबाम, खुशतर आज रोजे रा कामत शबम, तू हमीखा ही मरा का शवि और बंदा आजाद रा मौला शवि। उन्हें क्या आओ जी हजूर, मैं उसे हदीस पढ़ना चाहता। फरमाया किसी और मौलवी से जाके केड़े पै, ए मालिक ना तू गल कर रहा। हाँ क्यों जी? ए मां मालिक ना तू गल कर रहा। फरमाया जिंदा आज तकबील खाके तैबाम, फरमाया मालिक तो जिंदा ही तामे रोजाना उठ के मदीना पाक दी मट्टी चुमदा। फरमा उतो दे दिन मेरे हसीयत कोई नहीं रखते, तो रात मेरे इराक दे दिन नाल तू हमी खाई मराक का शवि। फरमाया तू चाहता मैं तेरे मां तहत होके दीन का काम करा, पर मैं मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे ना सिर्फ, फिर रसूलुल्लाह दा इरादा गैर का गुलाम नहीं बनता होंगे। बारे तालीमे तो आज हम बरदरत खादिमे मिल्लत न गर्दत चाकरत, मैं तेरे दरवाजे ते आवा तेन दीन पढ़ाण, और जड़ा एक बार हजूर का गुलाम बन जाए फिर किसी गैर का खादिम नहीं बनता होंगे। बेनियाजी नाज हा दारत बसे और नाजू अंदाज हा दारत बसे, अगे इकबाल कहता वेखो रसूलुल्लाह दे गुलाम दी बेनियाजी क्यों जी सी कि बादशाह सामने खड़ा उन्हें चुटकी नाल बजा दिता। बेनियाजी नाज हा दारत मैं उन्हें ओ जी ए जनाब रसूलुल्लाह दी अजमत और शान है।